हेलो स्टूडेंट्स, गुड टाइम टू ऑल। आई एम चंदन कुमार प्रधान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल चंदन फिजिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस गामाज थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। लेट्स बिगिन। अल्फा डीके जेते बड़े कौनसी गोटे हेवी न्यूक्लियस आटॉमिक मास 210 रु प्राय अधिक से न्यूक्लियस गुड़िक अनस्टेबल अवस्था था तेबे से माने स्टेबिलिटी अवस्था को आसीबा पाई डीके प्रोसेस को फॉलो करती। सेथिमध्यरु गोटे डीके प्रोसेस हेउसी अल्फा डीके। जे डीके प्रोसेस रे जदि को पेरेंट न्यूक्लियस से आटम टी को आमे एक्स लेटर द्वारा सिंबलाइज करिबा तार आटॉमिक नंबर जेड एवं मास नंबर ए जिते अल्फा डीके हम आम जो डॉटर न्यूक्लियस पाइबा से डॉटर न्यूक्लियस रो आटॉमिक नंबर टी एर दुईटी स्थान पूर्वर आसीबो दैट इज जेड माइनस टू एवं मास नंबर चारि डिफरेंस हम पेरेंट न्यूक्लियस ठार अल्फा पार्टिकल जहाँकि गोटे हीलियम न्यूक्लियस एवं एनर्जी पाइबा। तेबे सही प्रकार अल्फा डीके को एक्सप्लेन करिबा पाई गोटे थ्योरी रो आवश्यकता थिला। क्लासिकल मेकानिक्स अनुजाई अल्फा डीके को एक्सप्लेन करा जाई पारिला नाही काहेकि आमे जो न्यूक्लियस देखुचे न्यूक्लियस मध्यरे प्रोटोन एवं न्यूट्रॉन को बांधी रखी गोटे फोर्स जहाँ को कहा जाए न्यूक्लियर फोर्स। से न्यूक्लियर फोर्स टी गोटे स्ट्रॉन्ग फोर्स एवं शॉर्ट रेंज अल्प दूरता मध्यरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स टी एक्ट हुए जहाँ फल न्यूक्लियस मध्यरे न्यूक्लियंस जहाँ को प्रोटोन एवं न्यूट्रॉन कहे से माने परस्पर सहित तो बांधी हुई रही था। जदि को आम अल्फा डीके को कंसीडर करूचे तमान आमको भावि नाक पड़ो जे अल्फा पार्टिकल अर्थात ये हीलियम न्यूक्लियस टी डीके पूर्वर से न्यूक्लियस मध्य ही तेज न्यूक्लियस मध्य ताकू गोटे पोटेंशियल एनर्जी सम्मुखीन होगा पड़ो जहाँ को कहा जाए न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। तेज से जो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी हेवी न्यूक्लियस क्षेत्र रे देखा जाय छि प्राय 25.9 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट किंतु आमे जो अल्फा पार्टिकल टी से पेरेंट न्यूक्लियस रु बाहर के आसी से अल्फा डीके प्रोसेस रे डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई मानकर अल्फा डीके प्रोसेस को स्टडी करा जाय छि एवं देखा जाय छि से जो एनर्जेटिकली अल्फा पार्टिकल रो एनर्जी अराउंड 9 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट तमें से जो पोटेंशियल एनर्जी रहुची अराउंड 25 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट व्हेयर एज अल्फा पार्टिकल एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। तो क्लासिकल मेकानिक्स अनुजाई से 9 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट रो पार्टिकल टी से पोटेंशियल बैरियर जे कि 25 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट ताको केमिति ओवरकम करके बाहर को आसुची तेणुकर क्लासिकल मेकानिक्स यही प्रकार थियोरी यही प्रकार डीके प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पारा ना तो मैंने क्लासिकली आम अल्फा डीके को एक्सप्लेन कर पारे ना तेणुक आउ जो साइंटिस्ट आसिले गामाओ। गामाओ कौन कले ना क्वांटम मेकानिक्स रो टनेलिंग इफेक्ट जहाँ को क्वांटम टनेलिंग कहा जाए क्वांटम टनेलिंग फेनोमेनन साहाज्य रे अल्फा डीके को एक्सप्लेन कले कहवा अनुजाई आम क्वांटम मेकानिक्स रे कहते जे प्रत्येक पार्टिकल मूविंग पार्टिकल को आम गोटे वेव भूल कंसीडर करते एवं वेव मेकानिकल ट्रीटमेंट अनुसार गोटे वेव फंक्शन साय द्वारा रिप्रेजेंट करते स्क्रोडिंगर इक्वेशन साहय सॉल्यूशन डिफाइन करते सही अनुजाई क्वांटम मेकानिक्स रो क्वांटम टनेलिंग फेनोमेनन रे आमे जो इंसिडेंट पार्टिकल ले एनर्जी टी से पोटेंशियल बैरियर रो एनर्जी थारु कम एवं फाइनाली आमे आउटपुट रे पाउथले जे से जो इंसिडेंट पार्टिकल पाई जो वेव को रिप्रेजेंट करुले फाइनाली
पोटेंशियल बैरियर रो बाहर मध्य से वेव रो किसी पार्ट को आम पाइले तमाने से जो आउटसाइड पोटेंशियल बैरियर रे से जो वेव पाई जो एनर्जी रिप्रेजेंट करुच्ची नॉन जीरो तेणुक आम कहीदार जे क्वांटम मेकानिक्स रो से टनेलिंग फेनोमेनन साहाज्य रे से अल्फा डीके को एक्सप्लेन करा जाई पारिला। ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस द अल्फा पार्टिकल एमिटेड इज अबाउट 9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी व्हिच रिपेल्ड बाय एटॉमिक न्यूक्लियस बट फॉर हेवी न्यूक्लियस द पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अल्फा पार्टिकल टू स्टे इन दैट ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 25 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। गोटे हेवी न्यूक्लियस क्षेत्र में जदि से अल्फा पार्टिकलटा न्यूक्लियस मध्य रहा 25.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आवश्यकता अच्छी देखा जाए जे से जो एनर्जेटिकल अल्फा पार्टिकल जहाँ डीके होकर बाहर को आसूची तार एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आट दिस पोजिशन जो पोजिशन से न्यूक्लियस मध्य रोचे मनकर से न्यूक्लियस ठार आर डिस्टेंस रे अच्छी फ्रॉम दैट ऑफ सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एवं से अल्फा पार्टिकल चार्ज केते जेड माइनस टू इंटू इलेक्ट्रोनिक चार्ज से जो डॉटर न्यूक्लियस ताकू आम गिभेन करवा माने यही ठार डॉटर न्यूक्लियस जेड माइनस टू इंटू ई सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द चार्ज ये मैंने डॉटर न्यूक्लियस रो सेंटर ठार से की दूरतार अच्छी डॉटर न्यूक्लियस रो चार्ज जानी केते तार एटॉमिक नंबर इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो पोटेंशियल पोटेंशियल आम कमी पाइबा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा पार्टिकल रो चार्ज इंटू से डॉटर न्यूक्लियस चार्ज अल्फा पार्टिकल रो चार्ज केते तार एटॉमिक नंबर होची 2 इंटू ई डॉटर न्यूक्लियस रो चार्ज केते एटॉमिक नंबर जेड माइनस टू इंटू ई ईटा होची चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन तेणु करके पोटेंशियल होगा 2e जेड माइनस टू ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आर थी कौन ना से अल्फा पार्टिकल केते दूरतार अच्छी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के न्यूक्लियस सेंटर रु ना से डॉटर न्यूक्लियस सेंटर रु ते पोटेंशियल वी इज इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस टू ई स्क्वायर ई इंटू ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मनेकर आर नॉट जो हूँ सम ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल रेडियस एवं से न्यूक्लियस रेडियस दुटा मिसेले आम मन कर कह आर नॉट तेब आरटा जदि आर नॉट ठारु छोटो हुए आरटा से जो अल्फा पार्टिकल डिस्टेंस से डॉटर न्यूक्लियस सेंटर ठारु आर नॉट कौन ना रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एवं अल्फा पार्टिकल दुजाक रेडियस को मिसेले आम पाऊ आर नॉट कि आर नॉटटा आर ठारु कम हुए तेब अल्फा पार्टिकलटा से पोटेंशियल वाल भितर रहिबो। ओके तमाने से जो पोटेंशियल एनर्जी बा जो पोटेंशियल आम कहे न्यूक्लियस मध्य अच्छी तेब से पोटेंशियल एनर्जी को आम डिफाइन करुचे ए प्रकार ग्राफ रे पोटेंशियल एवं रेडियस पोटेंशियल एवं डिस्टेंस मध्य ग्राफ को प्लॉट करुचे आम देखुचे ग्राफटी ठीक एभली भाव वाई एक्सिस रे पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स एक्सिस रे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एटा हेउसी आमर पोटेंशियल पे ग्राफ जहाँ को आम कहे पोटेंशियल वाल ए जो लाइन टा होची ये कुलम बैरियर भली आक्ट करुची मैक्सिमम पोटेंशियल एठारे पाउचे। मन कर गोटे हेवी न्यूक्लियस कंसीडर करले यूरानियम 92 यूरानियम 238 जहाँ आर नॉटटा होची 10^-14 मीटर तेब ये पोटेंशियल मैक्सिमम ए यूरानियम पे के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z-2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू 9 × 10^9 इंटु 2 × z-2 यूरानियम पे जेडटा 92-2 दैट इज 90 इंटु चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन 1.6 × 10^-19 कूलम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट 10^-14 आपको सॉल्व कले आम पाइबा ये जो मैक्सिमम पोटेंशियलटा 25.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ता माने यूरानियम गोटे हेवी न्यूक्लियस तार ये जो पोटेंशियल एनर्जीटा रोचे 25.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट।
किंतु आम जो आल्फा पार्टिकलटा एमिटेड हो तार एनर्जी के 9 MeV तेणुक ह्विच इज मच ग्रेटर दैन द एनर्जी अफ एमिटेड आल्फा पार्टिकल। आल्फा पार्टिकल एनर्जी 9 MeV तार ये एनर्जीटा बहुत अधिक। हाउ दैट लेस एनर्जी अफ आल्फा पार्टिकल दैन द एनर्जी अफ द पोटेनसीआल बारिअर तेज आल्फा पार्टिकल एत कम एनर्जी क्या से पोटेनसीआल बारिअर ठार् तेज हाउ इट ओभरकमिंग इट कैंट एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मेकानिक्स तेणुक क्लासिकल मेकानिक्स सा एक्सप्लेन करना जे से जो आल्फा डीके फल आल्फा पार्टिकलटा केमी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को ओवरकम करके न्यूक्लियस बाहर को आसुच्छे। क्लासिकली क्लासिकल मेकानिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन द आल्फा डीके प्रोसेस। नेक्स्ट क्वांटम मेकानिक्स यूज करागला। सिंस क्लासिकल मेकानिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन द आल्फा डीके देयरफॉर द साइंटिस्ट गामाओ यूज्ड क्वांटम मेकानिक्स आज द फेनोमेनन ऑफ क्वांटम टनेलिंग टू एक्सप्लेन दैट डीके प्रोसेस तेणुक साइंटिस्ट गामाओ क्वांटम मेकानिक्स रो क्वांटम टनेलिंग फेनोमेनन यूज करके से डीके प्रोसेस को एक्सप्लेन कले के भाव में इन दिस क्वांटम मेकानिक्स रे वी यूज वेव कंसीडरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। आम क्वांटम मेकानिक्स गोटे पार्टिकल को आम वेव बोली मानुचे वेव को गोटे प्रकार वेव फंक्शन द्वारा रिप्रेजेंट करुचे एंड पर्टिकुलरली इन दैट क्वांटम टनेलिंग पर्टिकुलरली जो क्वांटम टनेलिंग फेनोमेनन कौन हो द एनर्जी ऑफ दैट ऑफ इंसिडेंट वेव इज लेस दैन द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बैरियर से क्वांटम टनेलिंग फेनोमेनन रे आम जो इंसिडेंट वेव को कंसीडर करुचे तार एनर्जीटा से पोटेंशियल बैरियर एनर्जी ठार कम बट स्टिल we have the probability of finding that particle outside the potential barrier is non zero tathapi madhya se potential barrier ra bahare se particle ku finding karibara probability non zero zero nuhe tamane kichhi na kichhi probability achi se particle ku find out kariya pai outside that potential barrier therefore gamma successfully explain alpha decay tenu kari scientist gamma quantum tunneling phenomenon ku use kariki alpha decay process ku explain kariparele। यहाँ से पोटेंशियल बैरियर यहाँ हूँ कुलम्बिक बैरियर जे कि रिपल्सिव फोर्स प्रदान करुछि एटा हूँ मनेकर अल्फा पार्टिकल जो एनर्जी क्वांटम मेकानिक्स अनुजाई ये गोटे वेव क्वांटम सॉरी कुलम्ब बैरियर रे दैट इज डिक्रीजेस आउटसाइड दैट ऑफ पोटेंशियल बैरियर वेव रो एम्प्लीट्यूड रे चेंज आसो एम्प्लीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज कर बट दिस इज नॉन जीरो मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज देयर। इटा होची वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल अफ आल्फा पार्टिकल आल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंट करिवार वेव फंक्शन। लेट्स कम टू दैट क्वांटम टनेलिंग फेनोमेनन लेट अस टू के लुक टुवर्ड्स द क्वांटम टनेलिंग दिस इज द पोटेंशियल बैरियर हियर इज एक्स जीरो एक्स इज इक्वल टू ए रीजन मन कर रीजन वन हियर इज रीजन टू दैट इज रीजन थ्री मैक्सिमम पोटेंशियल इज भि इज इक्वल टू भि नट रीजन वन रे पोटेंशियल जीरो बर्तमान तार पोटेंशियल को आम एक्सप्लेन करुचे रीजन वन रे जोटा कि रीजनटा हूँ एक्स इज लेस दैन जीरो ये पोटेंशियलटा जीरो रीजन टू जे कि जीरो ए मध्य अच्छी जीरो लेस दैन इक्वाल टू एक्स लेस दैन इक्वाल टू ए जो मैक्सिमम पोटेंशियल रोचे दैट इज भि नट रीजन थ्री रे जीरो रीजन टी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर दैन ए ताने यही रिजन पर आम वेव फंक्शन आसोसीएटेड साय वन यही रिजन पर वेव फंक्शन आसोसीएटेड साय टू यही रिजन पर वेव फंक्शन आसोसीएटेड साय थ्री आम देखुचे लेट एन आल्फा पार्टिकल जे कि इनसीडेंट करुचे ऑन दैट ऑफ बैरियर जार एनर्जी ई आल्फा पार्टिकल एनर्जी ई जे कि लेस दैन दैट ऑफ पोटेंशियल बैरियर एनर्जी ठार कम
अल्फा पार्टिकल को आम वेव बोली कनसीडर करे। बर्तमान आम स्क्रोडिंजर इक्वेशन यूज करवा फ्रम रिजन वन इन रिजन वन रिजन टू एंड रिजन थ्री। रिजन वन पे स्क्रोडिंजर इक्वेशन रिजन वन आम वेव फंक्शन कनसीडर करे साई वन तेणुक स्क्रोडिंजर इक्वेशन डी स्क्वेयर साई वन डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर साई वन डीएक्स स्क्वेयर प्लस टू एम ए स्क्वेयर स्क्वेयर साई वन इज इक्वाल टू जीरो। कारण ई माइनस भि एठार भिरो भैल्यू के जीरो तेणुक आमर आसगला टू एम ई डिवाइडेड बाय स्क्वेयर स्क्वेयर एटा हो गला आमर साई वन डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन प्लस के वन स्क्वेयर साई वन इज इक्वाल टू जीरो जोठार कि के वन टी टू एम ई डिवाइडेड बाय स्क्वेयर स्क्वेयर अंडर रूट। तेज यही प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन साई वन मूल्यटा के ना ए टू द पावर आई के वन एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स जोठार कि ए बी आर्बिटरी कन्स्टेंट। सिमिलरली रीजन टू पाई आम वेव फंक्शन केते कंसीडर करचे साई टू तापे आमर इक्वेशन आसीजीव डी स्क्वायर साई टू डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम डिवाइडेड बाय एच कर स्क्वायर इ माइनस भि नॉट कारण ये पोटेंशियल अच्छी भि नॉट तेणुक इ माइनस भि नॉट साई टू इज इक्वाल टू जीरो। मनकर ये आम गोटे नेगेटिव साइन डे मल्टीप्लाई करदे तो ब्राकेट मध्य चेंज हो भि नॉट माइनस इ दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ साई टू। बर्तमान आम इक्वेशन टी होगा साई टू डबल डैश माइनस के टू स्क्वायर साई टू इज इक्वाल टू जीरो तेज के टूर भैल्यू एठार के टू एम डिवाइडेड बाय एच कर स्क्वायर भि नॉट माइनस इ तो यह प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन साई टू इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस के टू एक्स प्लस डी ई टू द पावर के टू एक्स। सिमिलरली रीजन थ्री पाई आम वेव फंक्शन लिखुचे साई थ्री जोठार कि पोटेंशियल वैल्यू के जीरो जोठार कि के थ्री मूल्य टू एम ई डिवाइडेड बाय एच कर स्क्वायर जहाँकि के वन सांगे सामान वहाँ सॉल्यूशन होची साई थ्री इज इक्वल टू एफ ई टू द पावर आई के वन एक्स प्लस जी ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स। ये जो रीजन आम देखुचे यहाँ इनसीडेट है ट्रांसमिट है पुनः ये ट्रांसमिट होगा तो मैंने यही रीजन में आउ वेव्र किसी रिफ्लेक्शन अच्छे कि रिफ्लेक्शन ना ये किसी इनसीडेट हो पाए किसी रिफ्लेक्शन होता है किसी ट्रांसमिट हो पाए रिफ्लेक्शन हो पाए ये कौन ट्रांसमिशन हम केवल रिफ्लेक्शन होना तेणुक ये जो रिफ्लेक्शन पार्ट्रे ये जीरो मूल्य जीरो हो टर्म टी मूल्य जीरो कहीं सिंस नो रिफ्लेक्शन जी इज इक्वल टू जीरो तेज आमर जो साइ थ्री वेव फंक्शन टी बर्तमान के सॉल्यूशन से प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन एफ इ टू द पावर आई के वन एक्स। बर्तमान आमर काम है ये जो कोइफिशिएंट गुड़िक अच्छा ए बी सी डी एफ एगुड़िकर एम आर्बिट्रेरी कन्स्टेंट्स ये आर्बिट्रेरी कन्स्टेंट वैल्यू को निरूपण करवा बाय यूजिंग प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन। आम कहीं यही प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज कले तार सॉल्यूशन कैलकुलेट कले आमर काम है आम देखा पड़ो जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट नॉन जीरो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के कारण ए रीजन थ्री पे जो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करुच्ची रीजन वन पे जो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करुच्ची एटा होची साय जहाँ को आम इनसीडेंट कहचे साय जहाँ को आम ट्रांसमिशन कहचे। हियर ए बी सी डी ई एंड सी आर आर्बिट्रेरी कंस्टेंट एंड दोज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन यूज करवा प्रथम बाउंड्री कंडीशन साई वन मूल्यटा साई टू सांगे सामान हे केउठारे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इटा हूँ साई वन ये हूँ साई टू एक्स इज इक्वल टू जीरो साई वन वैल्यू जा साई टू रैल्यू ता फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आड़े एक्स इज इक्वल टू जीरो साई वन वैल्यू जा साई टू वैल्यू था तार मूल्य जीरो ही आसो। अनदर बाउंड्री कंडीशन यार फास्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन अर्थात डी साई वन बाई डी एक्स आट एक्स इज इक्वल टू जीरो सामान हो सहित तहार फास्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन डी साई टू डी एक्स आट एक्स इज इक्वल टू जीरो बर्तमान ए दुईटा पेयर गोटे टाइप बाउंड्री कंडीशन साई वन इज इक्वल टू साई टू आट एक्स इज इक्वल जीरो तर फास्ट डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल जीरो सामान। नेक्स्ट साई टू और साई थ्री आट एक्स इज इक्वल ए सामान आसवे आट एक्स इज इक्वल ए साई टू जहाँ आसो साई थ्री ता आसो साई टू इज इक्वल टू साई थ्री आट एक्स इज इक्वल ए एगेन यार फास्ट डिफरेंशिएशन सामान आसो आट एक्स इज इक्वल ए डी साई टू डीएक्स आट एक्स इज इक्वल ए इज इक्वल टू डी साई थ्री डीएक्स कारण ये आम एक्स जीरो
रीजन वन एवं रीजन टू को सेपरेट करुच्छी तमें एक्स जीरो साइ वन जीत आस साइ टू से आसो एगेन एक्स इजिकल टू ए रीजन टू और रीजन थ्री को सेपरेट करुच्छे तमें एक्स इजिकल टू ए साइ टू जीत आस साइ थ्री से आसो तमें साइ वन टा साइ टू सागर सामान हम आट एक्स इजिकल जीरो एम फास्ट डिफरेनसीएसन सामान हम आट एक्स इजिकल जीरो एगेन एस एक्स इजिकल टू ए साइ टू टा साइ थ्री सामान हम आर फास्ट डिफरेनसीएसन एक्स इजिकल टू ए सामान हम बर्तमान ये चारिटा बाउंड्री कंडीशन आम पाईले ये चारिटा बाउंड्री कंडीशन को आम यूज करके डिफरेंट डिफरेंट जो आर्बिटरी कंस्टेंट थी सेगुड़ वैल्यू निर्धारण करवा बर्तमान फास्ट बाउंड्री कंडीशन यूज करवा फास्ट बाउंड्री कंडीशन यूज कले आम कौन पाइबा ना साइ वन इजिकल टू साइ टू आम साइ वन जहाँ वेव फंक्शन थी ए टू द पावर आईके वन एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आईके वन एक्स यहीटा को इजिकल कर साइ टू सागर और एस इजिकल टू जीरो पुट अप कर आम कौन पाइव एक्स इजिकल जीरो टर्मटा हो टर्मटा हो ए प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी आम प्रथम बाउंड्री कंडीशन यूज कले आम पाइबा ए प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन टू यूज करवा सेकेंड बाउंड्री कंडीशन फास्ट डिफरेंशिएशन सामान से एक्स इजिकल टू जीरो आणिक डी साइ वन डीएक्स कैलकुलेट करवा जर भैल्यू आसो आईके वन ए टू द पर आईके वन एक्स माइनस आईके वन बी इ टू द पर आईके वन एक्स आट एक्स इजिकल जीरो साइ टू जहाँ आम लिखुले डी साइ टू डीएक्स आर डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करवा आट एक्स इजिकल टू जीरो एक्स इजिकल टू जीरो से दुटा भैल्यू को इवाल्युएट करदे तो आम पाइबा ए माइनस बी इजिकल टू एति तेज ए माइनस बी रैल्यू इक्वेशन नंबर सिक्स लिखिदेले एगेन आम बाउंड्री कंडीशन थ्री यूज करवा थ्री जहाँ थी साइ टू टा साइ थ्री सागे सामान आट एक्स इजिकल टू ए साइ टू टा साइ थ्री सागे सामान हम एक्स रूल्य आम ए पुटअप करवा पुटअप कले आम पाइबा इक्वेशन नंबर सेवेन सी ई टू द पावर माइनस के टू ए प्लस डी टू द पावर के टू एक्स इजिकल एफ ई टू द पावर आई के वन एक्स एगेन बाउंड्री कंडीशन फोर पर आउ गोटे इक्वेशन पाइबा ताको डिफरेंशिएट करवा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स इजिकल टू ए पुटअप करवा फाइनाली आम इक्वेशन नंबर एट पाइबा तो बर्तमान चारिटा बाउंड्री कंडीशन आम डिफरेंट डिफरेंट चारिटा इक्वेशन पाईगले इक्वेशन नंबर फाइव इक्वेशन नंबर सिक्स इक्वेशन नंबर सेवेन एंड इक्वेशन नंबर एट तो यही इक्वेशन को यूज करके आम से कन्स्टाट रैल्यू गुड़ी को इवाल्युएट करवा बर्तमान इक्वेशन नंबर सेवेन को इक्वेशन नंबर एट रे आड करवा और इक्वेशन नंबर एट को इक्वेशन सेवेन रु फेड़ तमें जो दुईटा आर्बिटरी कन्स्टाट सी और डी रैल्यू को पाइबा प्रथम आडिंग करवा इक्वेशन नंबर सेवेन एंड एट दुटा को आड कले आम पाईले इक्वेशन नंबर आपको देदे नाइन नेक्स्ट सब्सट्राक्ट करवा सब्सट्राक्टिंग इक्वेशन नंबर एट फ्रम सेवेन दुटा को सब्सट्राक्ट कले आम जो इक्वेशन पाइबा ताको देदे इक्वेशन नंबर टेन बर्तमान नाइन गोटे इक्वेशन पाईले टेन गोटे इक्वेशन पाईले एगेन से जो नाइन इक्वेशन सागर टेन इक्वेशन को आड करवा पुनः सब्सट्राक्ट करवा आडिंग इक्वेशन नंबर नाइन एंड टेन यानी सी प्लस डी हो सी प्लस डी होगले यहाँ किसी इक्वेशन आसो ए प्रकार रिजल्ट ई टू द पावर के टू ए प्लस ई टू द पावर माइनस के टू ए डिवाइडेड बाय टू आपको आम लिखुचे कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इज कॉस एस के टू ए टू द पावर के टू ए माइनस ई टू द पावर माइनस के टू ए डिवाइडेड बाय टू आपको लिखुचे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन तमें आम दुटा इक्वेशन को आड कले सी प्लस डी रैल्यू पाईले इक्वेशन नंबर इलेवेन दुटा सब्सट्राक्ट करवा तो सी माइनस डी रैल्यू पाइबा ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन सी माइनस डी रैल्यू पाईले इक्वेशन नंबर ट्वेल्व देदे बर्तमान जो इक्वेशन आम पाइले इक्वेशन नंबर इलेवेन ट्वेल्व सी प्लस डी सी माइनस डी ये वैल्यू गुड़ी को आम पुटअप करदे इक्वेशन नंबर फाइव एंड इक्वेशन नंबर सिक्स मैं इक्वेशन नंबर फाइव कौन थी ए प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी ए प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी थी तमें सी प्लस डी के सी माइनस डी के सी प्लस डी को आम पुटअप करदे पार इक्वेशन फाइव ए प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी इक्वेशन सिक्स ए माइनस बी इजिकल टू आई के टू डिवाइडेड बाय के वन सी माइनस डी तमें सी प्लस डी रैल्यू और सी माइनस डी रैल्यू को ये पुटअप करवा सी प्लस डी वैल्यू जहाँ पाइजे और सी माइनस डी रैल्यू को इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स पुटअप करवा इक्वेशन फाइव पुटअप कले ए प्लस बी रैल्यू ये पाइबा इक्वेशन नंबर थर्टिन देवा
एवं इक्वेशन सिक्स पुटअप कले एम एनएस बी रैल्यू एति की पाइबा आगे सिंप्लीफाई करके लिखीगला इक्वेशन नंबर 14 पाइबा बर्तमान इक्वेशन नंबर 13 और 14 की आडिंग एवं सबस्ट्राक्टिंग करवा जहाँफल आम जो कोएफिशिएंट ए एवं बी वैल्यू को पाई पार तेज इक्वेशन 13 और 14 को फास्ट आड कले ए इज इक्वल टू एतिक आसला इक्वेशन नंबर 15 बाकी सबस्ट्राक्टिंग कले बी इज इक्वल टू माइनस एफ ई टू द पावर आई के वन एक्स एति की इक्वेशन नंबर 16 हो गला तेल बर्तमान आम जो कोएफिशिएंट गुड़िका ए बी सी डी ई एफ इनके भितर गोटे आम रिलेसन पाईगले बर्तमान यहाँ यूज करम काम है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के कैलकुलेट करवा कारण ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट रु आम तार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट कर पार जे आउटसाइड दैट पोटेंशियल बैरियर रे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अच्छी ना नाउ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डिफाइन आम कर रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट टू दैट ऑफ इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट टू दैट ऑफ इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट ताको टी लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ट्रांसमिशन पर आम वेव फंक्शन यूज करते साइ टी तो मैंने तार प्रोबेबिलिटी यार कंजुगेट सांगे मल्टीप्लाई हे साइ टी इंटू साइ टी स्टार इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी साइ इंसिडेंट स्टार आमर जो रीजन वन आम जो वेव फंक्शन यूज करते साइ वन ताको आम इंसिडेंट वेव बोली ट्रीट करवा साइ इंसिडेंट रीजन थ्री जो वेव फंक्शन यूज करते साइ थ्री ताको आम ट्रांसमिशन वेव यूज करवा साइ टी तेणुक आमर हो जा इंसिडेंट आम केवल तार फास्ट पार्ट को नवा ए टू द पावर आई के वन एक्स साइ इंसिडेंट फास्ट वेव फंक्शन ए टू द पावर इ आई के वन एक्स बी इ टू द पावर माइनस आई के वन एक्स सेकेंड पार्टा नुह या केवल इंसिडेंट पार्ट सिमिलरली रीजन थ्री आम जो साइ थ्री यूज करते ट्रांसमिशन केवल फास्ट पार्टा ना सेकेंड पार्ट नुह कारण ये रिफ्लेक्शन होटा जीरो हो जाए तो मैंने साइ इंसिडेंट तार वैल्यू ए इ टू द पावर आई के वन एक्स साइ इन साइ टी एफ इ टू द पावर आई के वन एक्स ये वैल्यू गुड़िक पुटअप कला फल एफ एफ स्टार डिवाइडेड बाय ए एस स्टार हो नेक्स्ट ये जो कोएफिशिएंट गुड़िकर वैल्यू जो थी एफ ए से गुड़िकर वैल्यू बर्तमान ये पुटअप करवा इक्वेशन नंबर 5 की लक्ष्य कर सॉरी 15 की लक्ष्य कर इक्वेशन नंबर 15 ए इज इक्वल टू एफ इंटू समथिंग तमें एफ बदल आम के लिख पार ए डिवाइडेड बाय ए तक टर्म ओके तमें एफ बदल ए इंटू समथिंग आसो एगेन ए इंटू ए स्टार ताको मल्टीप्लाई कला गोटे वैल्यू आसो तमें ए ए टर्म कैंसल हो एवं आम पाइबा एतक रिजल्ट आपको फर्दर सिंप्लीफाइड करवा दीपट सैड्रे मैंने कमन आनी जा कमन के साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के टू एक्स के टू ए कहीं ना साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर मध्य गोटे रिलेशन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के टू एक्स प्लस इज इक्वल टू वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के वन एक्स जमीक आम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन से भाव में नेक्स्ट इटे वन प्लस वन ओके ओके नेक्स्ट टर्म इटे हमें के वन के टू जो वैल्यू गुड़ी का थिला ताको पुट अप कर दले फाइनली हमें पाई गले एतिकर इनवर्स जेमठारे करी के टू एटा ए के ठारु बड़ तेवार स्क्वायर टा रो वैल्यू केते हिजो साइन रो एतिकी स्क्वायर रो वैल्यू वन बाय फोर इ टू द पावर टू के टू ए वैल्यू को पुट अप करा गला एवं ए एक को आ सहित नेग्लेक्ट करा गला कारण एकटा ठारु ए टर्मटा अधिक तेनाली पाईगले एतिकी इनवर्स टी रो मूल्य एतिकी टी रो वैल्यू बर्तमान जो टर्म पाइले ये गोटे नॉन जीरो टर्म तामने देयर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल आउटसाइड दैट पोटेंशियल बैरियर हियर द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज नॉन जीरो
and that is nothing but the probability of finding that particle. Therefore, the alpha decay is explained by gamma by using quantum mechanics phenomenon as quantum tunneling. तेणुक quantum tunneling जो quantum mechanics गोटे phenomenon ताक यूज करके gamma से जो alpha decay को explain करदे जहाँ classical mechanics explain कर पार ना quantum mechanics explain करदे तेणुक ये वीडियो माध्यम आम देखिले gamma theory of alpha decay कहीं क्लासिकल मेकानिक्स एक्सप्लेन करा ना यहाँ थी न्यूक्लियस मध्य पोटेंशियल बैरियर. नेक्स्ट क्वांटम टनेलिंग कौन क्वांटम टनेलिंग की मुख्यतः आम एठार यूज करछे फाइनली आमर जो कैलकुलेशन आसला आम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के कैलकुलेट कले देखले जार वैल्यू गोटे नॉन जीरो तेणुक क्वांटम टनेलिंग फेनोमेनन साहाज्यरे गामा से अल्फा डीके प्रोसेस को एक्सटेंड कले. सो विच इज यूजफुल एंड इनफॉर्मेटिव नोट्स लेट मी वाइंड अप द सेशन. थैंक यू.